शिक्षा का महत्व हर इंसान के जीवन में उतना ही होता है जितना एक विद्वान के जीवन में होता है। कहीं ना कहीं विद्वान बनने से पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान प्राप्ति किसी न किसी शिक्षा के मंदिर से ही लोगों को मिलती है। तस्वीरें में आपको एक शिक्षा के मंदिर में हुए खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिस मौके पर बिहार के वर्तमान आरजेडी के एमएलसी कारी सुहैब साहब भी मौजूद रहे। उनके ही हाथों से फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर कर इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। वो कहते हैं ना, इल्म है तो दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, फूल जो खुशबू न बांटे फूल वो बेकार है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर में 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे जनाब कारी सुहैब साहब। वही उनके हाथों से ही फीता काटा गया और दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही कारी सुहैब साहब ने सभी बच्चों से संबोधित करते हुए बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर प्रखंड के शिक्षा के स्तर को काफी हद तक काफी उच्च स्तर तक बढ़ाने में एक बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। साथ ही बच्चों से बोले कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो फोन का इस्तेमाल ना करें, बड़ों का सम्मान करें और मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि अपने गांव के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर सके। वहीं मौके पर उपस्थित डीपीएस के डायरेक्टर एमएम करीमी को भी शिक्षा से संबंधित अच्छी सलाह देकर दिल्ली पब्लिक स्कूल को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने की हर संभव सुझाव दिया। साथ ही दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर के डायरेक्टर ने भी उनको सम्मानित करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर उपस्थित रहे कल्याणपुर के मुखिया राम बाबू राय, जिला परिषद रजनीश राय, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राज कुमार सिंह, डॉक्टर अंजनी कुमार कुशवाहा, युवा जिला अध्यक्ष समस्तीपुर मोहम्मद तबरेज, जिला महासचिव पप्पू जी, समाज सेवी रवि रौशन जी, जिला परिषद एक कल्याणपुर डॉक्टर साहिद आजाद, मुखिया विनोद दास, अशोक महतो इत्यादि, ये सारे लोगों की उपस्थिति में ये प्रोग्राम सफल तरीके से किया गया। आप देख रहे थे पक्की खबर, सच है तो खबर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आपको रख सके हम सबसे अपडेट।